Assalamualaikum dear students, welcome to online classes. So dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं यानी weaving के बारे में, ठीक है. कल हमने पढ़ा था कि फाइबर और फैब्रिक क्या होता है, ठीक है. सोर्स ऑफ फाइबर भी पढ़ लिया था, यान टू फैब्रिक ये हमने पढ़ लिया था. तो आज हम weaving से पढ़ने वाले हैं, ठीक है. जो हमारे दो प्रोसेस थे जो हमें जो है हमें ज़्यादातर यूज्ड होता था कि यान से फैब्रिक बनाने में, ठीक है, वो होता है हमारा पहला वीविंग, सेकंड इज़ द नाइटिंग, ठीक है. पहले वीव करना है, उस चीज़ को सीना है, इसके बाद नाइटिंग करना है, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले वीविंग. वीविंग इज़ द प्रोसेस इन विच टू सेट ऑफ यान आर अरेंज टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक. वीविंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें यान की जो दो सेट है उसको लाया जाता है, ठीक है. इसके बाद उस दो यान को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है, एक दूसरे के साथ. उसके बाद उससे क्या बनता है, हमें एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम क्या कहता है, फैब्रिक कहता है, ठीक है. Weaving is done on looms. Weaving जो है हम किसके थ्रू करते हैं, looms के थ्रू करते हैं. और ये looms होता क्या है यार, looms कुछ नहीं होता, ये एक weaving device होता है, ठीक है, एक machine होता है जिसके थ्रू हम इस weaving process को क्या करता है, चलाता है, ठीक है. Loom is the machine used for weaving fabric from yarn, ठीक है. Loom एक ऐसा मशीन है जो हम यूज्ड करता है फैब्रिक बनाने में यान से, ठीक है. जब हम यान को जो है दो सेट ऑफ यान को लाता है, इसके बाद उसको कहाँ दिया जाता है, उस लूम्स के ऊपर जो है अरेंज्ड किया जाता है या फिक्स्ड किया जाता है, ठीक है. इसके बाद जो है वीव किया जाता है उस लूम के थ्रू उस यान को किस में, फैब्रिक में. समझ आया, ओके. A woven fabric is produced on loom by thread which are crossed over and under each other. अब देखिए, जो woven fabric है, जो weave fabric है, woven fabric का मतलब होता है जो fabric आपको weaving के through loom पे बन के आता है, वो fabric, ठीक है. वो प्रोड्यूस्ड होता है हमें कहाँ से, लूम से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है. लूम एक डिवाइस है जिससे हमें क्या निकलता है, वही क्लॉथ निकलता है, ठीक है. किससे, लेकिन कैसे निकलता है, देखिए. प्रोड्यूस्ड ऑन लूम बाय थ्रेड विच आर क्रॉस्ड ओवर, यानी थ्रेड से, एक फाइबर से, जो फाइबर, ठीक है, वो यान किससे बना होता है, फाइबर से, ठीक है. वही सा फाइबर जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जो है उस लूम के ऊपर जो है हमें क्या करना है, उसको अरेंज करना है अच्छे से, एक दूसरे से क्रॉस करना है, ठीक है. ऊपर नीचे क्या करना है, क्रॉस करके उसे अरेंज करना है, ठीक है. इसके बाद जो है उसको लूम के ऊपर क्या करना है, अच्छे से यानी हमें सीना है, ठीक है, बनाना है. इसके बाद हमें क्या निकल के आएगा, वहाँ से एक फैब्रिक निकल के आएगा, ठीक है. एनी फैब्रिक कैन बी मेड यूजिंग दिस टेक्निक, जो कोई भी फैब्रिक हो, ठीक है, ज़्यादातर वो जो है इसी टेक्निक के थ्रू निकल के आता है, ओके. इसके बाद देखिए, एडवांटेजेस ऑफ वीविंग के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वीविंग करने के क्या फ़ायदा है. अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट, वीविंग गिव्स ए फर्म फैब्रिक, ठीक है. वीविंग जो है हमें क्या देता है, फर्म फैब्रिक होता है. फर्म का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अपने जगह से नहीं हिलना, ठीक है. वो फिक्स, वो अपने जो है प्रॉपर जो जगह होता है, उसके प्लेस होता है, वहीं पर फिक्स रहता है, ठीक है. इसलिए स्ट्रॉन्ग फैब्रिक हमें वो प्रोड्यूस करता है. वुवन फैब्रिक डू नॉट स्ट्रेच, जो वुवन फैब्रिक जो हम वीविंग के थ्रू जो फैब्रिक हम बनाते हैं वो स्ट्रेच नहीं होता. स्ट्रेच में का मतलब होता है अपने जगह से किसी और जगह नहीं चला जाता है, ठीक है, वो अपने जगह से एक्सटेंड नहीं होता है, ओके. एंड आर दस ईजी टू हैंडल, और इसलिए इसे हम ईजिली क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ओके. वुवन फैब्रिक आर इजी टू प्रिंट, जो वुवन फैब्रिक होता है वो आसानी के साथ उसका क्या कर सकता है, हम प्रिंट निकाल सकते हैं. एंड एम्ब्रॉयडर कहता है हम जब निडल से जो है हमारे भाषा में क्या कहता है, खप जो कहता है, ठीक है, उस खप से या उस निडल से क्या करते हैं हम जब उसको सीता है तो वही होता है एम्ब्रॉयडर, ठीक है, आसानी के साथ उसको सी सकता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, वीविंग इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे हम मोस्टली क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है, वो जगह जहाँ पे हम क्या किया जाता है, फैब्रिक एक्सप्लेनेशन जहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है, किस तरह से बनाता है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जैसा कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो उस उन कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर जो है वीविंग का मेथड क्या हो रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है, ओके. ओके, नेक्स्ट देखिए,
तो नेक्स्ट आप लोगों को तो कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इसके बाद सेकंड हमारा नाइटिंग है, ठीक है। नाइटिंग हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज आप लोग ने पढ़ लिया वीविंग, तो आज वीविंग पे हम रखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ वीविंग पे पढ़ लिया, खुद से भी पढ़ लीजिएगा और जो समझ नहीं आता है वो मुझसे कंसल्ट करें, ठीक है। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल एक लेक्चर के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।